देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए? जब कभी क्वेश्चन आपको ये कहे कि कुछ पैसा चेक से जा रहा है तो आप 2 बैंक और लगा देंगे, जैसे 5 लाख पे करना था उसमें से 1 लाख रुपीज तो आपने डाल दिया चेक से, यानी 2 बैंक, बाकी 4 लाख रुपीज के लिए कैलकुलेशन होगी, 4 लाख डिवाइडेड बाय जो रिमेनिंग अमाउंट है डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर। क्लियर? यहां तक समझ आता है? क्वेश्चंस और करवा देता हूँ बेटा मैं ऐसे ही। 30, 31 हो गया। ऐसा ही एक क्वेश्चन 33 वाला है, वो भी हम करते हैं। देखिएगा बेटा, 33 क्वेश्चन कहता है, जेन लिमिटेड ने परचेस की एक मशीन कॉस्टिंग 10 लाख फ्रॉम अय्यर लिमिटेड। तो पहले 10 लाख रुपए की जेन लिमिटेड ने अय्यर लिमिटेड से मशीन खरीदी, तो अपन एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अय्यर लिमिटेड 10 लाख। 10 लाख यहाँ तक ठीक है, फर्स्ट एंट्री ठीक है। नेक्स्ट एंट्री ये क्वेश्चन कहता है, 33 वाला क्वेश्चन, द पेमेंट वॉज मेड, 50% ऑफ द पेमेंट वॉज मेड बाय द चेक एंड फॉर द रिमेनिंग 50% द कंपनी इशूड इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। तो बेटा आपको 10 लाख रुपए चुकाने हैं, 10 लाख में से भी आपको आधे तो देने हैं किससे, चेक से देने हैं, और आधे देने हैं आपको शेयर से। तो देखिएगा मैं पहले अमाउंट हटा देता हूँ यहाँ से। एंट्री एकदम सेम की हुई है आपके पास, फेस वैल्यू, और ये समझना। देखिए 10 लाख रुपए आपको पे करने हैं, तो आप 10 लाख रुपए लिखेंगे अय्यर लिमिटेड में अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल और एसपीआर में अमाउंट अभी हम लोग कैलकुलेशन करके निकालेंगे। बैंक में आधा बता दिया, आधा बोले तो 5 लाख। अब बाकी कितना चुकाना है, 5 लाख, रिमेनिंग 5 लाख डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर। 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर है और इस पे 25% का प्रीमियम है, 25% का प्रीमियम 25 रुपए, तो टोटल इशू प्राइस हो गई 125 रुपए। तो 125 से आपने डिवाइड मार दिया इसको, ये जाएगा 4 टाइम 4000, इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे। अब आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, शेयर कैपिटल में 4000 × 100 फेस वैल्यू से 4 लाख, और एसपीआर में 4000 × 25 रुपए 1 लाख। समझ आई बात? ये क्वेश्चन 33 कंप्लीट। ऐसे बहुत इजी इजी क्वेश्चन है बेटा सारे। समझ आ गया ना बच्चों सबको? 34 भी सेम है। आप होमवर्क क्वेश्चन लिखेंगे, एक तो 29 नंबर का क्वेश्चन, 29 होमवर्क, 30 करवा दिया आपको, 31 आपको करवा दिया, 32 आप लोग होमवर्क में लिख लीजिए, 33 हो गया आपका, 34 अभी मैं आपको करवाऊंगा, 34 तो मैं ही करवाऊंगा, न्यू बुक का 34 तो आप लोग कर सकते हैं, 34, 35, 36 मैं करवाऊंगा अभी, एक 37 करवा रहा हूँ अभी मैं। ये अभी तक होमवर्क के क्वेश्चन अभी तक 3 आए आपके लिए, 29, 32, 34। ठीक है बच्चा, यहाँ तक क्लियर हो गया, चले आगे। थके तो नहीं है ना आप लोग? आज ही पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाने की इच्छा है बेटा मेरी, हो जाएगा, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों की मैथ्स की क्लास है मुझे बिल्कुल ध्यान में, 1:30 आपकी मैथ्स की क्लास है, तो डोंट वरी, मैं उससे पहले फ्री कर दूंगा आपको। अब आ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, जो मैंने भी आपको बताया 37 नंबर का क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, फिर एक स्कैनर का क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा। 37 क्वेश्चन कहता है, संदेश लिमिटेड टुक ओवर, अच्छा ये तो असेट और लाइबिलिटीज वाला क्वेश्चन आ जाता है। चलिए एक सेकेंड होल्ड करना, एक क्वेश्चन और निकालते हैं इसमें से। चलिए नहीं है, ओके। तो ये सारे बिजनेस खरीदने वाली, सॉरी फर्स्ट वाली असेट खरीदने वाली तो आपके पास सारी जर्नल एंट्रीज मैंने करवा दी। अब हम आ रहे हैं इस सेकंड वाले टॉपिक पे, आप किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं रनिंग, और उसके बदले में आप क्या दे रहे हैं, शेयर्स इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा, मैं सबसे पहले आपको 35 नंबर का क्वेश्चन करवाता हूँ एक, ठीक है, 35 करेंगे हम पहले, अब इसको हटा देता हूँ मैं। थर्टी फाइव नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा बच्चा,
35 सेज भारत लैंप लिमिटेड इशू 30,000 फुली पेड अप शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच फॉर परचेज ऑफ द फॉलोइंग असेट एंड लाइबिलिटीज फ्रॉम शर्मा एंड कंपनी। भारत लैंप लिमिटेड ने शर्मा एंड कंपनी से कुछ असेट्स और लाइबिलिटीज खरीदी, मतलब उसका बिजनेस खरीदा है, और उसके बदले में 30,000 शेयर्स दिए 100 रुपए वाले। मतलब ये परचेज कंसिडरेशन हमें बता दिया 30 लाख रुपए का। पहले जो असेट खरीदी उसको एक एक को डेबिट करेंगे अपन। प्लांट अकाउंट डेबिट 7 लाख रुपए, स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिट 9 लाख रुपए, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 12 लाख रुपए। सारी असेट्स डेबिट कर रहे हैं हम लोग, और जो लाइबिलिटी है वो एक लाइन छोड़ करके क्रेडिट करेंगे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये हो गया 2 लाख रुपए। अब बेटा खरीदा किससे? शर्मा एंड कंपनी से। तो टू शर्मा एंड कंपनी यहाँ पे आएगा, हम 30,000 शेयर्स दे रहे हैं ना 100 रुपए वाले, मतलब 30 लाख का परचेस कंसिडरेशन ही है। तो अब देखो आप, क्रेडिट साइड में आ रहा है 32 लाख, डेबिट साइड में आ रहा है 12 और 21 और 7 28 लाख, 4 लाख रुपए डेबिट में कम आ रहे हैं। तो जहां डेबिट में कम है वहां पे क्या लिखा जाएगा? गुडविल अकाउंट डेबिट 4 लाख। ये बैलेंसिंग फिगर डिजिट आया, समझ गए? ये बैलेंसिंग फिगर बेटा। अब बेटा होमवर्क क्वेश्चन थोड़े यहाँ लिख देते हैं, 29, 32, 34 है ना। ओके, फर्स्ट एंट्री समझ आ गई। सेकंड एंट्री सेम वही है, शेयर्स इशू करने की। शेयर्स किसको इशू करेंगे? शर्मा एंड कंपनी को। तो शर्मा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स इशू किए? क्वेश्चन लिखा था 30,000 शेयर्स इशू किए हम लोगों ने 100 रुपए वाले, तो अब 100 में ही किए और तो कुछ है नहीं। तो शर्मा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब ये पार पे ही इशू है, बट फिर भी मैं नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए वो निकालूंगा। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, आपको पे कितना करना है? 30 लाख डिवाइडेड बाय 100 रुपए। और हालांकि मैं ये निकालता नहीं तो भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि बेटा क्वेश्चन में 30,000 शेयर्स तो दिए हुए हैं ना। जब आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हो ना, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने गलती से निकाल दिया, कोई बात नहीं। चलिए 30,000 इंटू इशू प्राइस यहाँ पे 100 ही है, 30,000 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 100 रुपए से। 100 रुपए इसका फेस वैल्यू और इशू प्राइस है 30 लाख। 30 लाख 35 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है बेटा मेरा, ठीक है। एक 36 भी मैं ही करवा रहा हूं आपको, आप 36 भी देख ही लीजिए। अभी हम लोग क्लास वर्क में कितने क्वेश्चंस कर रखे हैं आज, कितने कर चुके हैं अभी तक? पहले मैंने 30 करवाया, 31 करवाया, पहले 31 करवाया, फिर 30 करवाया, 32 आपको होमवर्क में दिया, 33 करवाया, 33 के बाद आपको अभी 35 करवाया, ठीक है। अब 36 करवा रहे, एक क्वेश्चन और। देखिएगा बच्चा, 36 क्वेश्चन क्या कहता है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है ना। अगर आपको लगे कि मैं फास्ट चल रहा हूँ और आपको नहीं समझ आया तो आप वहां रोक लेना मुझे। श्योर लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम मैसर्स राय ब्रदर्स फॉर अ सम ऑफ रुपीज 15 लाख। क्वेश्चन ने ये बता दिया कि श्योर लिमिटेड ने मैसर्स राय ब्रदर्स का एक बिजनेस खरीदा हुआ है 15 लाख रुपए में। 15 लाख रुपए ही परचेज कंसिडरेशन है। खरीदा किससे? राय ब्रदर्स से। तो राय ब्रदर्स में 15 लाख क्रेडिट होगा। पेबल 12 लाख इन फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। 12 लाख रुपए तो हम शेयर से चुकाएंगे और 3 लाख रुपए हम चेक से चुकाएंगे, ऐसा क्वेश्चन ने बताया। अब आप देखिए क्या क्या खरीदा। प्लांट एंड मशीन 4 लाख से। तो बेटा मैं यहीं पे ये अमाउंट हटा देता हूँ और देखते हैं क्या क्या चीजें खरीदी है। प्लांट एंड मशीन खरीदा हमने 4 लाख का, जो चीजें नहीं होगी उसको चेंज करते जाएंगे। स्टॉक खरीदा हमने 4 लाख का, बिल्डिंग खरीदी 4 लाख से, लैंड एंड बिल्डिंग की जगह बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 4 लाख कर देंगे, और कैश है 3 लाख का, डेटर भी है। देखिए जी, कैश में ऊपर लिख दूंगे, ऊपर स्पेस है, तो कैश भी आता है ना, याद रखना। बिजनेस खरीदेंगे तो आप कैश कितने रुपए का? 3 लाख रुपए का।
और एक और चीज है डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स है आपके पास, ये अमाउंट है 3 लाख रुपए से, और लाइबिलिटीज में आपके पास सन्ड्री क्रेडिट, मैंने एक लाइन छोड़ी नहीं है जस्ट बिकॉज मुझे पता है कि यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, 2 लाख रुपए का क्रेडिटर और टू राय ब्रदर्स से खरीदा, तो टू मैसर्स राय ब्रदर्स कितने लाख रुपए में खरीदा, 15 लाख, ये 15 लाख रुपए का आपका हो गया परचेस कंसिडरेशन। क्वेश्चन में एक बार आप टोटल मार करके देख लीजिए, 4 4 12 और 4 12 और 3 15 और 3 18 लाख, यहाँ हो रहा है 17 लाख, 1 लाख रुपए क्रेडिट पे कमा रहे हैं, तो अगर क्रेडिट पे कमाता है तो उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व, 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब आप देखिएगा इसकी एंट्री समझिएगा, राय ब्रदर्स को, राय ब्रदर्स को आप पेमेंट कर रहे हैं शेयर से और कुछ चेक से, तो बैंक में तो जाएगा 3 लाख रुपए, टोटल 15 लाख रुपए का पेमेंट करना है। अब 12 लाख रुपए के लिए क्या कैलकुलेशन होगी, 12 लाख डिवाइडेड बाय कितने रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, तो बेटा 1,20,000 शेयर इशू होंगे इसको, तो यहाँ आएगा शेयर कैपिटल में 1,20,000 शेयर इंटू 10 आएगा वही 12 लाख रुपए, लेकिन आपको इसे कर करके शो करना है, इसके मार्क्स बनते हैं एग्जाम में। 36 क्वेश्चन डन, समझ आ गया बच्चों अभी तक? किसी बच्चे को यहां तक डाउट आया क्या, असेट खरीदने वाली एंट्री समझ आ गई? यस चलिए बेस्ट है। अच्छा एक क्वेश्चन और आते हैं अभी अपन 28 नंबर के क्वेश्चन पे, 28 चलो मैं आप लोगों को दूंगा, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है 39, ये मैं करवा देता हूँ, 39 और 28 दोनों ही करवा दूंगा, पहले 39 करते हैं। अब 39 जो क्वेश्चन है ना बेटा, वो क्वेश्चन आपने इसका एसएस ले लिया होगा, इसको मुझे हटाना पड़ेगा। ओके चलिए देखिएगा, अब 39 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें जो थर्ड और फोर्थ नंबर वाला पार्ट है ना वो दोनों आ जाएंगे, यानी अंडरराइटर्स को शेयर्स इशू करने वाली बात और प्रमोटर्स को भी शेयर्स इशू करने वाली बात। क्वेश्चन कहता है, लाइट लैम्प लिमिटेड ने इशू किए 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एज फुल्ली पेड अप टू द प्रमोटर फॉर देयर सर्विसेज टू सेटअप द कंपनी, टू सेटअप द कंपनी। लाइट लैम्प लिमिटेड ने 50,000 शेयर इशू किए हैं 10 रुपए वाले, है ना, अपने प्रमोटर्स को। तो बेटा प्रमोटर्स को इशू करने की एंट्री क्या होती है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस लिख दो या गुडविल लिख दो, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट 50,000 × 10 5 लाख रुपए, 5 लाख डेबिट 5 लाख क्रेडिट, फर्स्ट एंट्री खत्म, प्रमोटर को शेयर इशू करने की एंट्री हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में और लिखा है, इट ऑल्सो इशू 2,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप टू द अंडरराइटर्स ऑफ शेयर्स फॉर देयर सर्विसेज। कंपनी ने 2,000 शेयर्स भी इशू किए हैं अपने अंडरराइटर्स को, किस लिए दिए हैं भाई, उन अंडरराइटर्स ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की थी इसके बदले में शेयर्स इशू किए हैं, तो पहली एंट्री उनकी कमीशन ड्यू होने की, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स, अमाउंट कैसे आएगा, 20,000 शेयर्स हैं 10 रुपए का, 2,000 शेयर से 10 रुपए का एक है, तो बेटा 20,000 रुपए की कमीशन ड्यू हुई अभी। इसके बाद नेक्स्ट, इनको जब आप अंडरराइटर्स को शेयर्स इशू करेंगे, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा पार पे किया प्रीमियम पे किया है, तो हम पार पे ही अज्यूम करेंगे, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नेक्स्ट एंट्री खत्म, 20,000 रुपए, केवल एक क्वेश्चन है सर 39, है ना। तो बेटा आपके क्वेश्चंस कितने ड्यू हो गए हैं, अब देखिएगा 34 के बाद 38, 35, 36 मैंने करवा दिया, एक 37 भी आप ट्राई करेंगे, आपको आ जाएगा, नहीं आएगा तो कल हम देखेंगे, और एक बचा 28, तो 28 और, ये बेटा आपके होमवर्क क्वेश्चन है, और क्लास वर्क के क्वेश्चन में हमने 5 क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस देखे, 36 के बाद 39 भी देख लिया, 6 क्वेश्चंस हमने देखे, 6 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में। तो बेटा इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी ये टॉपिक भी खत्म होता है और पूरा चैप्टर हमारा जो था शेयर कैपिटल वो कंप्लीट होता है। और ये नेक्स्ट, ये जो बुक है ना इसमें नेक्स्ट वाला चैप्टर है सिर्फ, इसके नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है 10th वाला, वो हमारी बुक से हट चुका है इस साल,
तो बेटा सिर्फ हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है, और उस नेक्स्ट चैप्टर में भी हार्डली 5 से 7 दिन लग रहे हैं। तो आप मान लीजिए दिवाली से पहले पहले तक हम ये बुक कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। ओह।